हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने जो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी आपको बुक्स करवा रहे हैं, और इस बुक्स में जो अपने चैप्टर स्टार्ट किया था यानी कि टिश्यू, और टिश्यू में अपन ने बात की थी सिंपल टिश्यू जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और अंत में जो है सेक्रेटरी टिश्यू। तो आज अपन बात करेंगे सेक्रेटरी टिश्यू या स्रावी ऊतक। सेक्रेटरी टिश्यू जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि स्रावी ऊतक, इन स्रावी ऊतक में वह कोशिकाएं या कुछ सेल्स की ग्रुप या फिर जो टिश्यू जिनसे कि कुछ विशिष्ट प्रकार के जैसे टेनिन है, रेजिन है, गम है और लेटेक्स इत्यादि पदार्थों का सिक्रेशन होता है। तो इन सिक्रेशंस के कारण पदार्थों के सिक्रेशंस के कारण इन टिश्यूज को क्या कहते हैं, सेक्रेटरी टिश्यू या स्रावी ऊतक या एक्सक्रेटरी टिश्यू। क्योंकि ये जो पदार्थ है जैसे कि लेटेक्स है, टेनिन है, रेजिन है, एल्केलॉइड्स है, ये पदार्थ क्या है, प्लांट के लिए एक्सक्रेटरी मटेरियल होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इन एक्सक्रेटरी या जो सेक्रेटरी पदार्थ है, सब्सटेंस है, इनकी स्थिति या पोजीशन के आधार पे हम फिर क्या करते हैं कि इनको दो प्रकार की संरचना में या क्लास में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स या बाह्य स्रावी संरचनाएं और दूसरी ओर इंटरनल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स या आंतरिक स्रावी संरचनाएं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स या बाह्य स्रावी संरचनाएं। बाह्य स्रावी जो संरचनाएं हैं इनका निर्माण जो है क्यूटिकल या सब क्यूटिकुलर रीजन्स की सेल्स के द्वारा होता है। किनके द्वारा, या तो त्वचीय कोशिकाओं के द्वारा या उपत्वचीय कोशिकाओं के द्वारा इन सेल्स का निर्माण होता है, किनका, बाह्य स्रावी संरचनाओं का निर्माण होता है। तो इन बाह्य स्रावी संरचनाओं को जो है हम फिर क्या है, इनके जो एग्जांपल है या इनके जो वर्ग है, क्लासेज है, गलत प्रकार है, इनके टाइप्स है, किनके, बाह्य स्रावी संरचनाओं के टाइप्स, ग्लैंडुलर ट्राइकोम या ग्रंथिल रोम। ग्रंथिल रोम में क्यूटिकल्स की जो एपिडर्मल सेल्स है उससे एक जो है स्टार्क नुमा व्रत नुमा संरचना जो कि लंबी होती है और इसका स्टार्क का निर्माण करती है, और दूसरी जो इसकी सेल्स है क्यूटिकुलर सेल्स उससे फिर जो है सेक्रेटरी ड्रॉपलेट्स सेल्स होती है यानी यूनिसेलुलर सेल्स है, एक कोशिकीय सेल्स है जिसके द्वारा इन सेक्रेटरी ड्रॉपलेट्स का निर्माण होता है या सिक्रेशन होता है। इसका एग्जांपल है पिंगीक्यूला, यानी पिंगीक्यूला में ये जो ग्रंथिल रोम का निर्माण होता है, यानी ट्राइकोम या रोम की जो संरचना है, एक जो सेल्स है वो लंबाई में वृद्धि कर जाती है और उसके अंतिम जो सिरे हैं उनसे फिर जो है सेक्रेटरी ड्रॉपलेट्स का निर्माण, और इन सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स में मेनली क्या होता है, म्यूसिलस जीनस सब्सटेंस पाए जाते हैं और दूसरे जो इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, एस्ट्रेज है,
प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो कि इनमें यूनिसेलुलर और फिर जो है मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में इंसेक्टिवोरस और निपेन, इंसेक्टिवोरस में कीटारिपार्को में इस प्रकार के ग्रंथिल रोम यानी ग्लैंडुलर ट्राइकोम लाइक ट्राइकोम का निर्माण होता है। जैसे कि अपने निपेंथिस में अपन देखते हैं और ड्रोसेरा में देखते हैं, निपेंथिस और ड्रोसेरा में यहाँ पर तो क्या है कि ये एक सिंगल सेल्स यूनिसेलुलर सेल्स के द्वारा इस जो है सेक्रेटरी ड्रॉपलेट्स का निर्माण होता है, और दूसरी तरफ अपन यहाँ मल्टी सेलुलर में देखेंगे कि जो जैसे कि निपेंथिस में है या ड्रोसेरा में है तो वहां बहुत अधिक जो सेवरन यानी कि ये जो या तो सेवरन होगा या एवरन होगा, और एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं उनसे फिर जो है एपिडर्मिस की दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक से तो क्या होगा म्यूसिलेज का सिक्रेशन होगा, म्यूसिलेज सिक्रेशन, और दूसरी तरफ जो है प्रोटियोलिटिक एंजाइम का प्रोटियोलिटिक एंजाइम का सिक्रेशन। इन प्रोटियोलिटिक एंजाइम के कारण यहां तो क्या होगा ये जो है कीटों को अपनी ओर म्यूसिलेज के कारण आकर्षित करेगी, और आकर्षित करने के कारण कीट इनकी तरफ आएंगे और आने से म्यूसिलेज से चिपक जाएंगे, और फिर जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है वो एक्शन करते हैं, और एक्शन करने के दौरान क्या होता है वह इन कीटों का भक्षण कर पाते हैं। तो ये कीटारिपार्को का एक अनुकूलन है। इसी प्रकार से ड्रोसेरा में जिसे कि किचर प्लांट भी कहा जाता है उसमें भी ये संरचना पाई जाती है, एक तो निपेंथिस में दूसरा ड्रोसेरा में, ये क्या ग्लैंडुलर ट्राइकोम। फिर जो एक संरचना और अपन इस एक्सटर्नल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स में ही बात करते हैं, हाइड्रेथोड या जल रंधन, जब यानी कि ये इस प्रकार के उष्णकटिबंधीय पौधे जहां की नमी अधिक होती है यानी कि ह्यूमिडिटी अधिक होगी, और ह्यूमिडिटी अधिक होने के कारण और ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ही लो होती है, वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत कम होता है, तो इन वाष्पोत्सर्जन की दर कम होने के कारण पौधे की जो एपिडर्मल सेल्स है यानी वहां पे रूट प्रेशर बढ़ जाता है, और रूट प्रेशर बढ़ने के कारण जो अपने पत्ती के भाग है वहां पे अंतिम सिरे वहां तक जो है प्रेशर बढ़ता जाता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण जो है यहाँ की जो एपिडर्मिस जो सेल्स है उनमें पाए जाने वाले जो रंध्र है जैसे कि पेपिला उन पे उनके द्वारा जो जल है वो कहाँ से हाइड्रेथोड या जल रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाता है। जब ये क्रिया सुबह 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 होती है यानी कि जब नमी अधिक होती है, ह्यूमिडिटी अधिक होती है, और जल जल जो है पार्कों के उत्सर्जित पदार्थ यानी उत्सर्जन के द्वारा ही बाहर निकलता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं बिंदु स्राव या गटेशन कहा जाता है। यूनिसेलुलर हाइड्रेथोड्स का एग्जाम्पल है एनामिटा कोकुलस, एनामिटा कोकुलस में ये हाइड्रेथोड्स है वो यूनिसेलुलर पाए जाते हैं, जबकि ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के तौर पर फैस्टुलस मल्टी फ्लोरिस में ये संरचना जो है क्या होगी मल्टी सेलुलर संरचना पाई जाती है। ये क्या है हाइड्रेथोड्स, यानी हाइड्रेथोड्स में जैसे कि अपने बताया कि फ्लोएम के द्वारा जो है फ्लोएम सेल्स और एपिडर फ्लोएम सेल्स के द्वारा लगातार जो है जल का वैस्कुलर बंडल्स के द्वारा जो है सामान किया जाता है, कंडक्शन किया जाता है, यानी वैस्कुलर बंडल्स के द्वारा जल का सामान किया जाता है, और सामान के द्वारा जो लीफ के अंतिम सिरे होते हैं
वहां पे फिर जो है इन जल रंध्रों के द्वारा, हाइड्रिक थ्रोट्स के द्वारा जो जल है लीफ के टर्मिनल या अंत सिरों पे बाहर की ओर निकल जाता है। तो इस क्रिया को जो कि सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग के समय होती है, तो इसको गटेशन या बिंदु स्राव कहा जाता है। और जलबंधन फिर जो है तीसरी संरचना, ये क्या है, एक्सटर्नल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स में ही है, ग्लैंडुलर ट्राइकोम, हाइड्रोथ्रोट्स, और तीसरी है नेक्टरीज या मकरंद कोष। मकरंद जो है, नेक्टरीज है जो मेनली तो फ्लोरल फ्लोवर के फ्लोवर पार्ट में यानी फ्लोरल पार्ट में पाई जाती है, लेकिन जो कई बार एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज भी पाई जाती है, यानी कुछ प्लांट में जो है एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज भी पाई जाती है। ये मकरंद कोष जो है इनके द्वारा मिसलेजिनस सब्सटेंस सीक्रेट किया जाता है, जिससे कि ये इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कि प्रकीर्ण जो परागकण की क्रिया संपन्न होती है, यानी पोलिनेशन के लिए ये बहुत आवश्यक होता है मकरंद कोष का निर्माण। तो यहां मकरंद कोष जो है नेक्टरीज है, एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज के रूप में भी पाई जाती है, यानी कि एपिडर्मल जो सेल्स है वो इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाती है कि उनसे फिर जो नेक्टरीज का सीक्रेशन किया जाता है। अब अपन बात करते हैं इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। इंटरनल जो सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स है या आंतरिक स्रावी संरचनाएं, आंतरिक स्रावी संरचना में सबसे पहले अपन बात करते हैं सिक्रेटरी सेल्स। सिक्रेटरी सेल्स या स्रावी कोशिकाएं, स्रावी कोशिकाएं यानी कि इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर में इस प्रकार की सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यू, जिनसे कि पदार्थों का सब्सटेंस का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। तो ये क्या, जब सेल्स के रूप में होता है तो इसको सिक्रेटरी सेल्स या स्रावी कोशिकाएं कहते हैं। ये जो कि ग्राउंड यानी स्रावी कोशिकाएं किसमें मिलती है, ग्राउंड पेरेन्काइमा में वितरित रहती है। और इनमें ऑयल्स का है, रेजिन का, टेनिन का और लेटेक्स इत्यादि पदार्थ जो है पहले तो एक्टिव रहते हैं और फिर जो है इनसे धीरे धीरे सीक्रेट होते रहते हैं। जब ये पदार्थ ऑयल के रूप में संचित होते हैं तो ये कहाँ पे संचित होंगे, प्लास्टिक नामक संरचना में, लवक में ये एकत्रित होते हैं। और इसका जो टेनिनिफेरस या टेनिनधारी जो कोशिकाएं हैं, ये यूफोर्बियेसी के सदस्यों में, रोजेसी के सदस्यों में और मिल्टेसी के सदस्यों में होती है। यूफोर्बियेसी, रोजेसी और मिल्टेसी कुल या फैमिली के सदस्यों में इस प्रकार की स्रावी कोशिकाएं मिलती है, जो कि सिक्रेटरी सबस्टेंस का स्रावण करती है, टेनिन रेजिन और जो लेटेक्स का सिक्रेशन करती है। दूसरी जो स्रावी आंतरिक स्रावी संरचना में ग्लैंड्स, ग्लैंड्स या ग्रंथियां। सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर किसका निर्माण करती है, ग्लैंड का निर्माण करती है। सेल्स का, सेल्स या ग्रुप्स ऑफ सेल्स ये किसका निर्माण करेगी, ग्लैंड्स का या ग्रंथियों का निर्माण करती है। ये दो प्रकार की होती है, व्युत्पत्तिजात साइजोजीनस या फिर लाइसोजीनस लेजा, यानी कि एक में तो जो सेल्स है, ग्लैंड्स है वो लुप्त या नष्ट नहीं होती है। जब नष्ट नहीं होती है तो इसको कहते हैं व्युत्पत्तिजात साइजोजीनस, और जब ये लुप्त हो जाती है या उसमें घुल जाती है, नष्ट हो जाती है, तो इसको लयजात या लाइसोजीनस ग्लैंड्स कहा जाता है। ये मेनली जो है सिट्रस फैमिली के सदस्यों में मिलती है, अपने नींबू कुल के सदस्यों में मिलती है। और सीट्रस में जो है लीफ और इसके पेरिकार्प में इस प्रकार की जो ग्लैंड्स पाई जाती है, आपने देखा होगा कि लीफ में यानी कि नींबू की लीफ या जो इसका जो बाहर की पेरिकार्प है उसमें
थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं तो अपन को ऑयली सर यानी कि लिक्विड जो है अपने आंखों पे आता है, तो जलन सी महसूस होती है या तो उसकी स्मेल आती है। किसकी ग्लैंड्स, ये किसके द्वारा होता है? ग्लैंड्स के द्वारा होता है, सिट्रस कुल के सदस्यों में, लीफ और पेरिकार्प में। और यूकेलिप्टस, आपने सफेदा के जो पौधे देखे होंगे उनकी पिथ में, यूकेलिप्टस की पिथ में भी जो है इस प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है। और यूजीनिया कैरियोफिलेटा, जिसको कि लॉन्ग कहा जाता है, यानी देसी नाम इसका क्या है, यूजीनिया कैरियोफिलेटा का लॉन्ग, इसके फ्लोरल पार्ट है उसमें इस प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, जिनसे कि जिनमें साइजोजीनस या लाइसोजीनस सेल्स मिलती है। और इनके द्वारा जो है ऐसे पदार्थों का या सब्सटेंस का, ऑयली सब्सटेंस का सीक्रेशन किया जाता है। फिर जो रेजिन डक्ट, रेजिन डक्ट जो है या रेजिन नलिका, ये मेनली जो है कोनिफरस ट्री में अपन को दिखाई देती है। कोनिफरस ट्री में इस प्रकार की जो साइजोजीनस डक्ट है उनका निर्माण हो जाता है रेजिन। और अपन देख रहे होंगे फिर जो लेटेसी फेरस या लेटेक्स दारी, ये जो लेटेक्स दारी जो संरचना है, लेटेसी फेरस स्ट्रक्चर्स है वो सेल्स है जो किसमें मिलती है, पेपेवरेसी या कैनाबेरेसी, कैनाबेरेसी जो भांग है उसके प्लांट में जो इस प्रकार की संरचना मिलती है, या पेपेवर जो है हमें मिर्च का, मिर्च के जो प्लांट है उनमें भी जो है लेटेक्स जो मिलता है। तो ये जो संरचनाएं हैं ये किसके एग्जांपल है, इन इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स के, सीक्रेटरी सेल्स, ग्लैंड्स, रेजिन डक्ट्स और लेटेक्स। तो इनके द्वारा इन पदार्थों का सीक्रेशन होता किसका, टेनिन का, रेजिन का, लेटेक्स का। और अपने लेटेक्स, रेजिन, टेनिन और एल्केलॉइड्स इत्यादि पदार्थों का सीक्रेशन होता है, जो प्लांट के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं होते लेकिन इन जीवों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इनकी खुद की स्वयं की सुरक्षा के लिए अन्य जीवों से, और जो है इनके एडेप्शन के लिए, यानी कि इन पदार्थों के द्वारा क्या है, ट्रांसपीरेशन रेट बहुत ही कम हो जाती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।